हिंसा से जुड़ी हुई। आपको बता दें दिल्ली दंगा पत्थर जिहाद है। साक्षी महाराज ने कहा हिंदू त्योहारों को साजिश के तहत टारगेट किया गया है। यहाँ पे साक्षी महाराज ने ये कहा है। साक्षी महाराज काफी फार ब्रांड नेता भारतीय जनता पार्टी के, और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि ये पत्थर जिहाद है। अब तक आपने लव जिहाद सुना होगा, और भी तरीके के जिहाद सुने होंगे, लेकिन साक्षी महाराज ने यहाँ पर पत्थर जिहाद का नाम इस पूरे घटनाक्रम को दिया है, जो सहयोग और प्रयोग मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात से लेकर बंगाल से लेकर दिल्ली तक पहुंचा, उस पर करारा प्रहार उन्नाव से सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता साक्षी महाराज का। लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पे सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती है। अब इसी को लेकर जांच पड़ताल तो अपनी तरफ से चल रही है, सरकारें अलर्ट मोड पर है, लेकिन इसी बीच बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। और साक्षी महाराज ने साफ तौर से कहा है कि दिल्ली दंगे कहीं ना कहीं यहां पे एक साजिश की बू आ रही है, और दिल्ली दंगा पत्थर जिहाद है। हिंदुत्व पर फसाद पत्थर जिहाद, रामद्रोहियों की साजिश दिल्ली में माचिस। हिंदू और हिंदुत्व एक बार फिर जिहादियों के निशाने पर है। खरगोन और करौली की आग दिल्ली तक आते आते शोलों में बदल गई। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर बरसते पत्थर, कांच की बोतलों की बौछार और भड़काऊ मजहबी नारे इसकी तस्दीक करते हैं। साथ ही शक को गहरा करते हैं कि जहांगीरपुरी दंगा संयोग नहीं सुनियोजित प्रयोग है। अब रामनवमी के जलूस पर सारे देश में पत्थर फेंके जाएंगे, फिर लोग सोचेंगे बुलडोजर नहीं चलेगा। ये संभव नहीं है, अगर पत्थर चलेंगे तो बुलडोजर भी चलेगा। करौली से खरगोन संयोग नहीं प्रयोग, सनातन पर प्रहार, टारगेट पर हिंदू त्योहार। जहांगीरपुरी दंगे की विस्फोटक कड़ियां लगातार खुल रही हैं। जहांगीरपुरी कांड का कनेक्शन 2020 में हुए दिल्ली दंगों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दंगे के आरोपी और पत्थरबाज अंसार, असलम, सलीम चिकना जैसे दंगाई चेहरों की हिस्ट्री शीट सामने आ चुकी है। क्या रोल है, क्या बात है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या बातें थी, और कितने लोग हैं, और बहुत सारे लोगों का आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। जहांगीरपुरी कांड को देखकर लगता है कि पत्थरबाजों का जिहादी गैंग हिंदू त्योहार का ही इंतजार कर रहा था। रामनवमी के बाद हनुमान जयंती पर दंगा भड़काने को तैयार बैठा था, ताकि सनातन पर चोट करके जिहाद के नापाक एजेंडे को बुलंद किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।